नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी बेसिक्स पे। एक जादू दिखाना था, देखेंगे? चलिए दिखाते हैं। ये एनसीईआरटी का 8th क्लास का बुक है, उसका पीडीएफ है। उसका हम लोग 7वां चैप्टर खोल रहे हैं, ठीक है? ये एनसीईआरटी के बुक का 7वां चैप्टर, ठीक है? 7th चैप्टर, जस्ट अ सेकेंड, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंट, ठीक है? आप कहेंगे इस चैप्टर में ऐसा क्या खास है, क्या इसमें जादू है? अभी दिखाते हैं। ये देखिए, बीपीएससी 68th में आया था सवाल, श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, है ना? हिंदी वाले अपने हिसाब से इसको देख लेंगे, है ना? इसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम का तो कोई इशू है नहीं। आपको बेसिकली मैं सवाल दिखाना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी से कितने सवाल आए हैं, और वो भी एक चैप्टर से, ठीक है? एक चैप्टर से आप चौंक जाएंगे देख के, ठीक है? तो ये सवाल देखिए, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है। वॉइस चेंज जब होता है, हम जब एडोलेसेंट होते हैं, जब बड़े होते हैं, प्यूबर्टी आता है, तो कैसे हमारा वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स भी उसको बोलते हैं, और ये भी अपने आप में एक सवाल है, कभी बन के आएगा ही कि वॉइस बॉक्स को और क्या बोला जाता है। तो वॉइस बॉक्स हमारा चेंज होता है, गर्ल्स का अलग होता है, बॉयज का फिर थोड़ा अलग होते जाता है, ठीक है? ये पूरा उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके हिसाब से श्रिलनेस ऑफ साउंड डिपेंड करता है उस पर। और ये पीछे वाले चैप्टर में भी डायरेक्टली दिया हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एडम्स, ये चलिए यहाँ पे, हाँ, फीमेल सेक्स हार्मोन, बीपीएससी 66th में आया हुआ सवाल, फीमेल सेक्स हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है? 66th बीपीएससी में आया हुआ है। एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है, इंसुलिन है, ऑक्सीटोसिन है। आप देखिए यहाँ पे एस्ट्रोजन, फीमेल सेक्स हार्मोन और एस्ट्रोजन बिच मेक ब्रेस्ट डेवलप, मिल्क सिक्रीट करता है, ठीक है? टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल हार्मोन है। किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है? सेक्स हार्मोन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है? ये दूसरा सवाल, चलिए और आपको दिखाते हैं, ठीक है? आ जाइए यहाँ पे। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर में कहाँ पे स्थित होता है? बीपीएससी 67 का सवाल है। इंटेस्टाइन में, लीवर में, किडनी में, ब्रेन में, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? एनसीईआरटी में बेहतरीन इतना बड़ा सा फोटो बना के देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है? ये हो गया तीसरा सवाल, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और देखिए। द मैल फंक्शनिंग ऑफ थायरॉयड ग्लैंड इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच, विटामिन ए, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन। कब आया था? बीपीएससी 66th में। ये कब आया था? 67th में। ये आया है 66th में, ठीक है? थायरॉयड ग्लैंड का डिफिशियंसी किस वजह से होता है देख लीजिए, पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। गोइत्रे डिजीज होता है, थायरॉयड ग्लैंड है, हार्मोन जो निकलता है उसको थायरोक्सिन बोलते हैं, और क्यों होता है? तो आयोडीन के नहीं निकलने की वजह से होता है, आयोडीन का जो सिक्रीशन है वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है। ये दूसरा सवाल था, चलिए अब आपको तीसरा सवाल दिखाते हैं, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेंस आयोडीन, थायरोक्सिन, ठीक है? ये तीसरा सवाल था, चलिए अब और आ जाते हैं आगे। ये देखिए, इन ह्यूमन सिस्टम इंसुलिन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ व्हाट, ठीक है? डायबिटीज, इंसुलिन, फिर यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड भी दे दिया गया है, तो इससे भी सवाल आ जाएगा, ठीक है? ये था, चलिए और दिखाते हैं आपको, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये देखिए, ठीक है, एड्स किससे होता है? वायरस से होता है। एड्स इज कॉज्ड बाय, बीपीएससी 64th का सवाल है, वाटर, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, किससे होता है? वायरस से होता है। आप बोलेंगे बहुत आसान सवाल है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हो सकता है उनके लिए मुश्किल हो कि भाई एड्स किस चीज़ से होता है, या आप ही से पूछ दिया जाए कि एड्स क्या मिल्क से होता है कि नहीं होता है, जल्दी से जवाब दीजिए। हो सकता है 90% लोग गलत ही जवाब देंगे, ठीक है? मिल्क से होता है, इन्फेंट जो बच्चा होता है जब वो अपनी माँ का दूध पीता है तो उसको एड्स का वायरस उसके शरीर में ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है? तो हो सकता है ये अगली बार सवाल बन के आ जाएगा। तो अब हम काउंट करते हैं कि कितना सवाल यहाँ से आया है इस एनसीईआरटी के एक चैप्टर से। क्वेश्चन एक, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये तीसरा है, और ये चौथा सवाल है, और ये पाँचवा सवाल है। एक पेज से तीन सवाल है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छठा सवाल है, ठीक है, और ये हो गया 7वां सवाल। तो एनसीईआरटी के एक चैप्टर से आए हैं टोटल कितने? 7 सवाल। 8वीं क्लास के 7वें चैप्टर से 7 सवाल आया है, अलग अलग सालों में। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि फोकस ऑन बेसिक्स, है ना? अगर बेसिक्स पे फोकस नहीं करेंगे तो दिस टास्क, दिस जर्नी, जर्नी ऑफ बीपीएससी बिकमिंग, फुलफिलिंग द ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट विल बिकम वेरी टीडियस। जब हम बेसिक काम नहीं कर पाएंगे,
पढ़ाई में तो एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिक काम कैसे कर पाएंगे, और इसलिए बीपीएससी जो है इन एरिया से सवाल पूछता है। अगर आप एक एक लाइन वाला कोई किताब उठाएंगे और उसको रटेंगे दैट विल बी वेरी टफ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाइए, टाइम कम है, अब 30 दिन बचा हुआ है ना, और 30 दिन का स्ट्रेटजी वीडियो भी चैनल पर डाल दिया गया तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाइए ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो जरूरी है, अगर उसको आप कर लेंगे तो बीपीएससी जिस तरह से एक लेवल डीपर जा रहा है सवाल पूछने में, जो डेप्थ बढ़ रहा है, जो लेवल बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से लगता है कि इस बार कुछ मतलब ये चीज़ तो नहीं चलने वाला है कि आप रट के जाएं और उससे आप सवाल बना लें सारे, वो अब नहीं होने वाला। वो दौर बीपीएससी का चला गया, बीपीएससी अब अपने नए दौर में है जिसमें सवालों की क्वालिटी और जवाबों की क्वालिटी दोनों बढ़ाना होगा। ठीक है, तो यही जादू आपको दिखाना था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कैसा लगा कमेंट करके भी बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप चाहते हैं कि और भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस तरह का बने तो वो भी आप बताएं। पढ़ाई कीजिए जम के।